हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से कुछ वीडियो नॉट सुटेबल फॉर एडवर्टाइजर्स हो जाती हैं और उसके बाद उन पर येलो कलर का डॉलर का साइन आने लगता है। दोस्तों, अगर कुछ वीडियो इस तरीके से आती हैं तो आपके उन वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक वीडियो जो मैंने अभी मेरे पास पिछले 2-5 दिनों से कमेंट आ रहे थे, कुछ नए वीडियो बनाइए फेसबुक हैकिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कल नाइट को, मैंने वीडियो बनाया है कि फेसबुक हैकिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से फेसबुक को हैक कर सकते हैं और उसको सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने उसमें पूरा डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि आप इसको गलत एक्टिविटीज के यूज लिए यूज नहीं करेंगे और ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी मोनेटाइजेशन मेरा उस वीडियो का बंद कर दिया गया, अपलोड करने के बाद ही उसे बंद कर दिया गया। एंड उसके बाद मैंने उसको मैनुअल रिव्यू के लिए अप्लाई किया और उसके बाद जैसे ही मैंने उसे अप्लाई किया, मेरे वीडियो रिमूव कर दिया गया ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन। और उसमें मुझे एक ईमेल आया, ईमेल में ये लिखा हुआ था कि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है आपके वीडियो में और आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इस तरीके की कंडीशन में मैं काफी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया हुआ था फेसबुक हैकिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, बात ये आती है कि इस तरीके से अगर किसी भी बंदे के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए। उसके बाद मैंने उस पर अपील की, एंड अपील किस तरीके से की, तो सबसे पहले तो क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके आपको चैनल में जाना होगा। एंड चैनल चैनल में जाने के बाद आप सीधे सीधे आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा तो उन ऑप्शन में जाके आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा कि अपील आप कर सकते हैं। तो अपील पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो भी जवाब है उसमें अंदर जाके आप अपना जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपील कर दी है। हालांकि तकरीबन 7 घंटे 24 घंटे 1 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद उनका दोबारा से ईमेल आएगा एंड ईमेल आने के बाद मुझे पता चलेगा कि वो वीडियो मेरा फेसबुक पर रहने वाला है कि नहीं रहने वाला। हालांकि मेरे पास उस वीडियो की कॉपी है एंड उस कॉपी से मैं अगेन अपलोड कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि पहला जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है वो पहला कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है, आपके लिए वार्निंग होता है। अगर दूसरा कम्युनिटी गाइड और उसके साथ पहले वार्निंग के साथ ये भी कर सकते हैं कि जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो सकती है। सेकेंड, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर आता है तो ये समझ लीजिए आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। ये समझ लीजिए कि आप लाइव स्ट्रीमिंग तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपके पास तीसरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है तो सीधे तरीके से ये समझ लीजिए आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हैकिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आती है, तो मैंने हैकिंग से रिलेटेड वीडियो आपको बनाया था। एक्चुअली मेरा नॉलेज हैकिंग में, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिया था कि मुझे जो नॉलेज है उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके और आप लोग चाहते थे कि हैकिंग से रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, फेसबुक हैकिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको वीडियो दिया था तो उसके लिए सॉरी, वो रिमूव हो चुका है। अगर आपको किसी को हैकिंग से रिलेटेड किसी वीडियो में या हैकिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे आप ना मोबाइल नंबर सेंड कर दें कमेंट में, या मेरे मैसेज में जो यूट्यूब में मैसेज का ऑप्शन आता है उसमें सेंड कर लें, तो मैं आप लोगों से कॉन्टेक्ट करके हैकिंग से रिलेटेड आपसे डिस्कस कर लूंगा। दोस्तों, मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, ना मैं वेबसाइट रन करना चाहता हूँ। मेरा केवल शौक है यूट्यूब पर वीडियो डालना है, इसलिए मैं आफ्टर जॉब टाइम निकालकर आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ। इसके अलावा मेरे जितने भी हैकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं उन पर मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है। एक भी वीडियो में पैसा बनना लगभग जितने भी मेरे पॉपुलर वीडियो हैं उनमें पैसा बनना बंद हो चुका है। अभी जो व्हाट्सएप का से रिलेटेड जो मेरा वीडियो था जिसमें अभी 35,000 व्यू थे, उसका भी मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है और उस पर भी अब वीडियो आना पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है, यूट्यूब में आज की डेट में पहले जितना पैसा था बिल्कुल पैसा नहीं है। अब ये समझ लिए, पहले जो बंदे 1 लाख रुपए कमाते थे आज की डेट में उनका 15,000 रुपए 20,000 रुपए रह गया है पर मंथ का इनकम। तो दोस्तों, अब आपको हैकिंग से रिलेटेड वीडियो कम ही मिलेंगे, वैसे कम नहीं मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं हैकिंग से रिलेटेड आपको टिप्स दे सकता हूं, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर हैकिंग सिखाने के लिए मैं आपको ये कर सकता हूं कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए एंड कॉन्टेक्ट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको सारी हैकिंग से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पर हैकिंग से रिलेटेड अभी तो कम से कम नहीं दूंगा, क्योंकि 90 डेज तक ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगी और अगर उसके बाद सेकेंड स्ट्राइक एंड थर्ड स्ट्राइक आएगी तो दोस्तों मेरा चैनल ही सस्पेंड हो जाएगा। तो उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलता है कि मैं हैकिंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए डालूं। हाँ, अगर किसी को जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हुए हैं।